महावीर मंडल रांची का सारे पदाधिकारियों के साथ हम लोग का जो बैठक हुआ और पूरे रामनवमी महोत्सव जो कि मेरा आज से कल और परसों 3 दिन का है, तो उस पे श्री महावीर मंडल रांची के तरफ से जो तैयारी थी, जो हम लोगों का परंपरा के अनुसार जो हमारा 11 क्षेत्र से लगभग जुलूस का मेन पॉइंट है और वो 11 क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता टोला प्रभारी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पूरा जुलूस मुख्य शोभा यात्रा में शामिल होती है। तो हम बताना ही चाह रहे हैं कि 2 साल के कोरोना काल के बाद श्री महावीर मंडल रांची के तत्वाधान में जो इस वर्ष हम लोग श्री रामनवमी महोत्सव मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाले जाने का जो हम लोगों ने तैयारी किया वो अंतिम चरण में है और पूरे क्षेत्र में अखाड़ा वाले प्रतियोगिता जो कराते थे वो आयोजन करता सब में भारी उत्साह है। और हम इतना कहेंगे कि इस वर्ष श्री रामनवमी महोत्सव जो 2 साल का कमी था उसको हम लोग पूरा करेंगे। कल दिनांक 10 तारीख को रांची के सड़कों में आपको जनसैलाब देखने को मिलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे महोत्सव के दौरान श्री महावीर मंडल रांची, श्री महावीर मंडल डोरंडा, श्री महावीर मंडल हिनू, श्री महावीर रामनवमी श्रृंगार समिति और चैत्री दुर्गा पूजा महासमिति के संयुक्त प्रयास से ये 3 से 4 दिन का जो लगातार जो हम लोगों का जो कार्यक्रम चलता है वो कार्यक्रम को हम लोग कोऑर्डिनेट करके पूरा सफल बनाने का काम किए हैं। और हम इतना कहेंगे कि सारे चीज को हम लोग अपने स्तर से 100% करने का काम किए हैं और 100% का मतलब यह है कि समय मर्यादित तरीका से करना, समय पर जाना, समय पर वापिस आना। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि इस पूरे आयोजन में हमारे अखाड़ा वाले से लेके नेतृत्वकर्ता के बीच में समन्वय वो सारा चीज हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा कड़ी है जो हमको स्वागत करते हैं, जो हमको स्वागत करते हैं। आप अगर देखेंगे कि जहां से शुरू होता है जहां अंत तक हमारे झंडा वाले जो चलते हैं 20-20 किलोमीटर जाना और आना, हमारा जो राम भक्त चलता है तो उनके सेवा के लिए जो सामाजिक और धार्मिक संगठन जो काम करते हैं सेवा करते हैं उनसे भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन हो चुका है। और हम लोगों ने घोषणा भी किया है कि इस वर्ष जितने हमारा सहयोग करने वाले संगठन हैं उसमें स्वागत शिविर लगाना को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं और हम लोग अपने समापन समारोह में उन सारे लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। श्री महावीर मंडल रांची का जो निर्णय है, एक चीज है जो आपके सामने बहुत विनम्रता पूर्वक हम लोग कहेंगे, देखिए हम लोग आज के कल के शोभा यात्रा क्या आज से ही कल तक परसों तक जो कार्यक्रम है इसके लिए हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया है। सब जो हमारे सहयोगी संघ के तरीका से जो मुहर्रम कमेटी है या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं हम लोग सबका सहयोग मांग रहे हैं और सबके सहयोग से हम इसको ऐतिहासिक तरीका से मर्यादित तरीका से संपन्न करना चाहते हैं और हमको विश्वास है कि सहयोग भी हम लोग को मिलेगा। लेकिन उस बीच में जो पिछले 4-5 दिन से जो एक माहौल को खराब करने का जो प्रयास चल रहा है, जो आपके माध्यम से भी आप लोगों को भी सबको जानकारी होगा, हमको किसी को कहने का, देखिए वो लोग कौन है ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लिए भी है। जिस तरीका से खूटी से डोरंडा, डोरंडा से मल्ला टोली, विक्रांत चौक, विक्रांत चौक से कल करबला चौक में एकदम सेम घटना हो रहा है और उन लोग का एकदम तकिया कलाम भी सेम है कि नारा लगा दिया, आपत्तिजनक फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। मैंने कल का तो स्थिति यह है कि 3 मोटरसाइकिल में लोग 200 लोग घेर के उसके ऊपर हमला किया, उसको जान मारने का लूटपाट सारा क्रम किया और उसके बाद उल्टा उसी को बता रहा है कि विलन है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात को देखना पड़ेगा। कल अगर हमारा महावीर मंडल का, मैं स्वयं और हमारे महावीर मंडल के सारे लोग में से पदाधिकारी अगर नहीं रहते तो कल शहर तो बहुत ही हो जाता।
तो हम लोग तो देखिए शांतिपूर्वक और मर्यादित तरीका से पूरे आयोजन को करना है और हम लोग इसका तय भी कर लिया और हम लोग एक डेग पीछे नहीं हटेंगे। अपना मर्यादा जो, चूंकि हम लोग जिनका पूजा कर रहे हैं, जिनके लिए जन्म उत्सव पे हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो हम लोग तो मर्यादित रहेंगे, हमारा लोग तो मर्यादित रहेगा। लेकिन ये जिला प्रशासन और सरकार को भी सोचना है कि जो अमर्यादित लोग हैं उन लोग हैं कौन, और उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करके आप राम भक्त के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका तो कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए कि देखिए गलत तो पांच आदमी कर रहा होगा लेकिन बदनाम होता है का पूरा उस क्षेत्र, पूरा उस शहर। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम कहना चाहेंगे कि कल चीफ सेक्रेटरी से हम लोग मिल रहे थे तो डीजे में भी बड़ा अलग अलग तरीका का बातचीत हो रहा है। उसमें चीफ सेक्रेटरी जो कहे थे, क्या बोले थे ललित, उसको क्या बोलते हैं, माइकिंग अलाउड है और नहीं 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 जो क्या बोले थे वो प्री रिकॉर्डेड जो चीज है वो बाइंड है। आप माइक भजन आपको बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं। अरे यहाँ का थाना वाला बोल रहा है कि तुम ये मत बजाओ वो मत बजाओ, हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि थानेदार बड़ा है कि चीफ सेक्रेटरी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन हम लोग को हो रहा है। जैसे जब चीफ सेक्रेटरी बोल दिए तो हम लोग तो भाई उनका आदर ऑनर के हिसाब से हम लोग कर दिए कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उधर से फोन आ रहा है कि ए थानेदार बोल रहा है कि ये मत बजाओ, बी थानेदार बोल रहा है ये मत करो। तो हमको ही एक बड़ा मतलब मेरा व्यवधान हो रहा है मेरा आयोजन में। तो इन सारे चीज के बावजूद भी हम लोग अपना पूरा 100% एफर्ट हम लोग आयोजन को सफल बनाने के लिए लगाए हैं और कल हम लोग का ऐतिहासिक शोभा यात्रा हम लोग का सफल होगा और सबका सहयोग हम लोग मांग रहे हैं, सबके सहयोग से हम लोग सफल करना चाह रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन ये उपद्रवी जो लोग हैं, जो ये शहर को अशांत करना चाह रहा है, राज्य को अशांत करना चाह रहा है, इस पे ध्यान दे। राम भक्तों पे झूठा जो FIR हो रहा है इसको कम से कम तत्काल इसको बंद करें। अब हम चाहेंगे कि मुख्य शोभा यात्रा प्रभारी हम लोग के बैठक में ललित जी को हम लोग तय किए थे तो हमको लगता है कि मुख्य शोभा यात्रा का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो हम चाहेंगे कि ये बोल दें। उसके बाद अध्यक्ष जी तो बहुत धन्यवाद। आज रामनवमी महोत्सव 2022 के निर्णायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सभी हमारे अखाड़ेदारी पूर्व अध्यक्ष किशोर कोहली है मंच पर बैठे हैं, वर्तमान अध्यक्ष और जो शहर के सभी अखाड़ेदारी जिनके सहयोग में श्री महावीर मंडल रांची के नेतृत्व में 1929 से एक गौरवमयी परंपरा रही है रामनवमी शोभा यात्रा। देखिये कल महोत्सव है और सबसे पहले श्री महावीर मंडल रांची का मुख्य शोभा यात्रा प्रभारी होने के नाते सबसे पहले मैं श्री महावीर मंडल रांची के क्रियाकलाप और श्री महावीर मंडल रांची क्या आचरण चाहता है राजधानी के विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग जुड़े हुए लोगों से। हम लोगों का इतिहास रहा है सनातन इतिहास की बहुत ही हम लोग शांति प्रिय तरीके से जो जुलूस का मार्ग निर्धारित है उस मार्ग में हम लोग गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े के साथ और महावीरी पताका लेके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की शोभा यात्रा में निकलेंगे। लेकिन कुछ इसका दूसरा पहलू भी है जो लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में कुछ लोग, कुछ ही चुनिंदा लोग परेशान करने की मंशा से, और राज्य सरकार को भी हमारा कहना है कि रामनवमी महोत्सव है, पूरा भारत 31 मार्च के बाद खुला हुआ है, तो निश्चित तौर पर जब हम चाहते हैं कि सारा जो आयोजन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम लोग श्री महावीर मंडल रांची सनातन महापंचायत चैती दुर्गा पूजा महासमिति रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति सभी लोग चाहते हैं कि ये आयोजन भव्य हो, ऐतिहासिक हो। और जो रांची का इतिहास रहा है कि जब आप बजरंगबली का मंदिर मेन रोड में पार करेंगे तो बाद उसका पता नहीं चलता है कि आप किसी दूसरे धर्म और संप्रदाय के इलाके से जुलूस को लेकर गुजर रहे हैं। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि थोड़ा सा शोभा यात्रा में चाहे हमारे युवा साथी हो सनातन धर्म के या स्वागत करने वाले लोग, थोड़ा सा जो अभी पूरे देश में परिस्थितियां चल रही टॉलरेंस लेवल को थोड़ा हाई करना हो,
झंडा लेकर जाता है, कोई जय श्री राम कहता है तो वो किसी को गाली नहीं बकरा, वो जय श्री राम राम का भक्त है, बजरंगबली का भक्त वो कहेगा, वो कल भी कहेगा, ये श्री महावीर मंडल रांची का स्पष्ट कहना है। हमारी कहीं नहीं है कि हम किसी धर्म और संप्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा एकरा मस्जिद से जब जुलूस गुजरता है तो वो तपोवन की ओर बढ़ेगा, वो रतन टॉकी से बाया और सेंट्रल स्ट्रीट हिंदपीढ़ी नहीं हुई, इसका जिम्मेवारी ये मंच लेता है, श्री महावीर मंडल रांची लेता है। मैं आपको जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस मंच से स्पष्ट करता हूँ, हम अपील करते हैं, इसको मार्मिक अपील बोलिए, धार्मिक अपील बोलिए, राज्य हित में बोलिए, रांची के हित में बोलिए, ऐसे लोगों को हम लोगों को चिन्हित करके और बचा के, और रांची को बचाना है, पूरे प्रदेश का आईना है, राजधानी है, यहाँ जो हम लोग का वातावरण रहा है, पूर्व अध्यक्ष हीरालाल साहू जी है, रामधन बर्मन जी है, बड़े भाई राजीव रंजन मित्रा जी है पूर्व अध्यक्ष, एक बहुत ही अच्छी और स्वस्थ परंपरा रही है। हमने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम बजरंगबली मंदिर पार किए और कब हम तपोवन पहुंचे, हमने इसीलिए कहा कि अमन पसंद लोग हैं, यहाँ अच्छे लोग हैं, वैसे लोगों को कल आगे आना होगा। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लोग अपना इबादत करें और अपने घरों में रहें। हम अपील करेंगे हमारे जो मुसलमान भाई हैं मेन रोड के पूरे जुलूस के इलाके में कि वो शाम के नमाज के बाद अपने घर में रहें, अच्छे से करें, क्योंकि कुछ जो अंडर एज लड़के हैं जिनको भी समझ नहीं है धर्म की, राज्य की, लॉ ऑफ द स्टेट की, उनके कारण वातावरण बिगड़ता है। श्री महावीर मंडल रांची आश्वस्त करना चाहता है कि जो लोग कल घर में रहेंगे वो लाखों की संख्या में सड़क पर आए और शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए जो भी स्वागत शिविर लगाएंगे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हमारे हिंदू समुदाय के लोग, सभी का स्वागत है। श्री महावीर मंडल रांची का बड़ा हृदय है और एक लगभग 7 साल के बाद श्री महावीर मंडल रांची का 100 साल का इतिहास हो जाएगा। हम कहीं से नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार और कुछ चुनिंदा लोगों के कारण राजधानी में परेशानियां, जो जय श्री राम बोलता है उसके साथ जय श्री राम का नारा लगा के उसके जुलूस को आगे बढ़ाने का काम करना है। जो राजधानी के नौजवान है, जो अपना इबादत कर रहा है, उसको किसी को नहीं छेड़ना है। लेकिन ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ना, ये निश्चित तौर पर सवालिया निशान उठाती है कि जब इतना मजबूत यहाँ धार्मिक सामाजिक संगठन सब चल रहा है, तो कल रात की जो राजीव रंजन मिश्रा जी भी अपने ब्रीफिंग में बता रहे, हम लोग जानते हैं कि रांची के जो लोग हैं वो चाहेंगे तो वो छोटी घटना भी नहीं होगी, क्योंकि छोटी घटना को ही बड़ी घटना का रंग देना चाहते हैं। पंडरा, बजरा, काके, धावन नगर, लोहाडी, नामकुम, चुटिया, कुंदाग, ये जो पूरा बड़गाई, बरियातू, लेम, ये पूरा आएगा और फिरायलाल पे हम हमारे चूंकि सभी नेतृत्वकर्ता अशोक पुरोहित जी हैं, हीरालाल साहू जी हैं, राजेंद्र मिश्रा जी हैं, कि कल एक अपील श्री महावीर मंडल रांची सभी क्षेत्र के अखाड़ेधारियों से करता है कि जिन किन्हीं मार्गों पर से आप फिरायलाल पहुंचेंगे तो कम से कम फिरायलाल से 500 मीटर की दूरी पे जुलूस को रोकना है, सीरियली सजाना है और बहुत ही अनुशासित और मर्यादित तरीके से फिरायलाल से जो हमारा काफिला शुरू हो वो तपोवन मंदिर तक एकदम गंगा की अविरल धारा की तरह जाए, कहीं टूटे नहीं और बहुत ही मर्यादित तरीके से जाए, ऐसा हम कामना करते हैं। और श्री महावीर मंडल रांची की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि रांची के किसी भी धर्म और जाति के नौजवान रांची को हिंसा में नहीं जलने देंगे, रांची में कोई घटना नहीं होगी और कल इस इतिहास को दोबारा हम लोग श्री महावीर मंडल रांची के नेतृत्व में दोहराएंगे। जय श्री राम। अध्यक्ष जी हैं हम लोग के, अपना बताइए। यहाँ पर उपस्थित मीडिया कर्मी, मेरे नजर में सरस्वती पुत्र, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दो साल के बाद कोरोना महामारी हम लोग झेल रहे थे, ये 2 साल के बाद हम लोगों को एक बड़ा त्योहार मनाने का मौका मिला है और लोगों में उत्साह है। एक तरफ भगवान श्री राम पर का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इसको लोगों इसको लेके भी काफी उत्साह है और इस बार रामनवमी महोत्सव जो है अपने आप में ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक महोत्सव का लोग इंतजार कर रहे हैं और इस महोत्सव की तैयारी, जब महोत्सव बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, तो उसकी तैयारी भी ऐतिहासिक रूप से हम लोगों को करनी पड़ी है और इसके लिए हम लोगों ने इतने बड़े कार्यक्रम के लिए टोला का गठन किया है और ये टोले, इसमें टोले में क्या होता है, टोला में प्रभारी बनाया जाता है और वो प्रभारी जो होते हैं वो प्रभारी के अंतर्गत कम से कम 30-40 अखाड़े आते हैं। वैसे हमने लगभग
17 अखाड़े इसमें 11 अखाड़े हमने बनाए हैं जिसकी प्रतियां मैं आपको दे दूंगा। और ये शोभा यात्रा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे शोभा यात्रा का नेतृत्व पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और इसे सम्मानित सदस्य जितने भी हैं उन लोगों के सहयोग से इस बार हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। और आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बोलना चाहूंगा कि मुझे भी लगता है कि कुछ लोगों की मंशा है सरकार का यहाँ रांची का अमन चैन खराब करने का। अभी हाल ही में खूंटी में भी देखिए बहुत बड़ा कांड हुआ और खूंटी में भी वही हुआ कि जो लोग दंगाई थे वो दंगाई उल्टा दंगा करके उन्होंने जो लोग दंगा नहीं करा था मारपीट किया, जिनको मारा पीटा गया उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। तो इस तरह का कार्रवाई ना हो और इसमें लोगों को चिन्हित किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी देखिए रांची में हो रहा है, कल रामनवमी है, अब हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रशासन जो अभी देख रहे हैं कि मेन रोड में खूब पुलिस घूम रही है, तो मेन रोड में पुलिस घूमने से कुछ नहीं होगा। जहां पर जहां जहां लगता है कि ऐसी कांड हो सकता है वहां पर प्रशासन को कड़ाई करना चाहिए, वहां पर पुलिस बल भेजना चाहिए। और हम लोग एकदम पुलिस पूरा प्रशासन के साथ है और लोगों से आह्वान किए हैं कि हमारा जो शोभा यात्रा जो है वो अपने निर्धारित समय पर निर्धारित मार्ग जो है उससे होते हुए तपोवन मंदिर में जाकर भगवान श्री राम प्रभु की पूजा करके वहां पर हम लोग झंडा का पूजा करेंगे। हम लोग के बीच में चूंकि सबका हम लोग एक बार आपके माध्यम से हम लोग के सबसे सीनियर और पूर्व अध्यक्ष कई बार रहे हैं, कई पदों में रहे हैं और इनके गार्जियनशिप में ही हम लोग कई वर्षों से पूरे रामनवमी महोत्सव को मना रहे हैं। और सोचिए कि इस उम्र में अभी भी कल भी शोभा यात्रा में कल जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि चचा का भी हीरालाल साहू जी, हम चाहेंगे कि इनका भी चचा कुछ बोल दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए हम लोग को भी। फिर रामधन भैया आप अपना तैयारी बता के खत्म। माननीय अध्यक्ष श्री अशोक पुरोहित जी, मीटिंग में 10वीं बात पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा जी, पूर्व मंत्री और अभी के मुख्य शोभा के प्रभारी, हम लोगों के छोटे भाई चचा तो बोलते हैं, ललित ओझा जी, रामधन वर्मा जी उपस्थित, श्री राम के भक्तों, प्रेस छायाकार बंधुओं और प्रेस के बंधुओं, सचमुच में ये 2 साल जो रामनवमी नहीं निकली उसका तैयारी हम लोगों ने बड़े पुरजोर तरीके से किया था, लेकिन इधर कुछ व्यवधान जो उत्पन्न हुआ, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार अगर इसको गहन छानबीन करे तो सामने जो अभियुक्त है वो सामने आ जाएंगे। हम लोगों ने एक ऐसा समय 1980 से आज तक आप देखे होंगे, आप नए हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो पुराने हैं बैठे हुए हैं वहाँ 1980 से लेकर के ये 2021 तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि हमने पीस कमेटी की बैठक में हमने उनको छोटे भाई के रूप में माना था, जिसको लोग मुस्लिम कह करके बुलाया करते थे, और हम लोगों ने उनको हम लोग बड़े भाई के रूप में ये किए थे और उन लोगों ने सहज स्वीकारा था कि नहीं भैया जो बोल रहे हैं आज हम लोग छोटे भाई के रूप में हैं और ये हमारे बड़े भाई के रूप में है। 1980 से लेकर 2021 से रांची शहर में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, अगल बगल में हुआ वहां जाकर के हम लोगों ने लोगों को समझाया और ये कहा कि अगर आपको रामनवमी की शोभा यात्रा देखना है तो रांची आइए, वहाँ छोटे भाई और बड़े भाई का मिलन किस प्रकार होता है, ऐसा लगता है कि राम एक
आ रहे हैं और हमारे छोटे भाई भरत हमारे स्वागत के लिए वहाँ खड़े हैं। ये दृश्य था आज, ये दृश्य कुछ चंद नौजवान जो नौजवान भटक गए उनको ये चीज मालूम नहीं हो सकती। हमारे छोटे भाइयों का ये कर्तव्य होता था कि उनको ये मनाना था कि नहीं इन हम लोगों के ये बड़े भाई हैं, उनका ये पर्व है और हम लोगों का भी पर्व, दोनों को कैसे हम लोग समन्वय करके चले वो चलना चाहिए। उनको अगर समझा देते ये हमारे छोटे भाई तो आज ये नौबत रानी शहर में नहीं होती। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, मीडिया प्रभारियों से, कि सचमुच में आप हमारे तीसरी आंख हैं और तीसरी आंख से आप सारा चीज देख करके जरूर मीडिया में आप अपने पत्रकार में पत्रिका में ये जरूर चाहिए कि आज की बैठक में लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कल की शोभा यात्रा में छोटे भाई और बड़े भाई मिलके ऐतिहासिक रूप से रामनवमी मनाएंगे, बड़ो बड़ो बजाएंगे। हीरा चचा के बाद हम रामधन भैया इसको समाप्त करेंगे। इसमें एक चीज जरूर बोलेंगे सबका, हम लोग का जो बैठक में भी अभी जो तय हुआ था कि देखिए तीन घटना का जिला प्रशासन को जांच करना चाहिए, पहला। दूसरा चाहिए कि दोषी पे कार्रवाई करें, निर्दोष पे नहीं करना चाहिए। और अगर चूंकि हमारा कल महोत्सव है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा महोत्सव खराब हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि अन्याय हो। अगर फिर उसके बाद अगर जिस तरीका से कल SSP साहब से भी हम लोग बात किए हैं, संबंधित पदाधिकारी से बात किए, कल रात को भी घटना के बाद हम बात किए हैं, सारी स्थिति से अवगत कराएं, दो लड़का गरीब लड़का भुइया टोली का उसका मोटरसाइकिल को जला दिया तो ये बड़ा दुखद लगता है। देखिए हम लोग इसको कल रात को भी हाईलाइट नहीं किए, खाली एक पेपर में कहीं पर देखे हम आए, हम लोग जान करके नहीं चाह रहे थे कि ऐसा माहौल बने कि सबके लिए खराब हो, लेकिन ये भी हम नहीं चाहेंगे कि अन्याय हो। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से जो गलत केस हुआ है पहले तो वो वापिस ले, दोषी के ऊपर केस दर्ज हो। आज जब वो गया थाना लोअर बाजार थाना केस करने के लिए तो केस लेने से जो इनकार किया, जिसका गाड़ी चल रहा है, जो मार खाया वो केस करने जा रहा है, तो नहीं जरा सा ठीक नहीं है। तो जिला प्रशासन इसको अपने स्तर से देखे, कहे कि कल शोभा यात्रा हम लोग का समाप्त हो जाएगा, परसों विसर्जन हो जाएगा, तो हम लोग फिर उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे की कार्रवाई में अपना बात को बढ़ाएंगे। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दोषी है उस समाज के बीच में प्रशासन का काम है उसको लाना, ताकि डर से दूसरा कोई गलत नहीं करे। इतना ही कहेंगे हम। रामधन भैया पूरे तैयारी का बता दीजिए जल्दी से, 2 मिनट ऑफ कर दीजिए, चाचा माइक ऑफ कर दे। अरे आपका ओन, आपका आवाज इतना बुलंद है कि आप ओन ओन का कर रहे हैं। श्री महावीर मंडल रांची के द्वारा प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रेस बंधुओं, मीडिया के बंधुओं और छायाकार बंधुओं, इस बैठक में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आपसे सहयोग का अपेक्षा है। सबसे पहले हमारी इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे सबसे सीनियर हीरालाल साहू जी, इस बैठक में उपस्थित पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा जी, इस बैठक में उपस्थित पूर्व मंत्री और हमारा शोभा यात्रा का मुख्य प्रभारी ललित ओझा जी, इस बैठक में उपस्थित हमारे इस वर्ष के अध्यक्ष भाई अशोक पुरोहित जी और सभी पदाधिकारी। सबसे पहले मैं आपको वर्ष 2022 का, जो पिछले 2 साल से हम लोग इस महोत्सव को नहीं मनाए थे, इस बार हम लोग को मौका मिला है तो ज्यादा उत्साहित हैं और सभी तरफ से ये समाचार मिल रहा है कि लोग रामनवमी को बहुत हर्षोल्लास से मनाने के लिए सभी लोग दृढ़ संकल्प है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारा तैयारी जो है पूरे झारखंड के साथ साथ पूरा हमारा
रांची जिला का, विशेष करके देहात के लोग भी इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग इस वर्ष, जैसा कि आपको मालूम है, 8 तारीख अष्टमी का आज झांकी है और कल हम लोग का शोभा यात्रा है, विशाल शोभा यात्रा कल होने जा रहा है, कल आप देखिएगा हम लोग को। इसके बाद चैती दुर्गा का 11 तारीख को हम लोग का विसर्जन शोभा यात्रा वो भी है। हम लोग सबसे पहले सरकार का गाइडलाइन का हम लोग विरोध नहीं किए थे, लेकिन हम लोग कुछ उसमें संशोधन चाह रहे थे, जिसमें श्री महाभिमंडल रांची के पदाधिकारियों, पूर्व अध्यक्ष और सभी लोग अपना स्तर से सरकार के, जिला प्रशासन और सरकार को समन्वय बना करके एक उसमें सुधार का हम लोग प्रस्ताव रखे थे। ये स्वागत योग्य है सरकार की तरफ से जिला प्रशासन की, उन्होंने 6 बजे को बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया। हम उसके लिए राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को, श्री महाभिमंडल रांची की तरफ से उन्हें बधाई देते हैं। और हमको उनसे जो अपेक्षा था, जो उनसे हमको सहयोग था, जो हमेशा हमको मिलते रहा है, इस वर्ष भी हम लोग को थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हम लोग को पूरा सहयोग जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है। इसके लिए उनको हम लोग साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो पूरा पदाधिकारी है, जिनके इस बार नेतृत्व में एक साधारण कार्यकर्ता भी है श्री महाभिमंडल रांची का, तो उसके नेतृत्व में भी हम इस वर्ष हम लोग शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो इस वर्ष 2022 का जो 2 साल जो छूट गया था, वो सब हम लोग इस बार पूरा कर देंगे। और इन्हीं चंद के शब्द के साथ मैं श्री महाभिमंडल रांची के साथ साथ रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति की तरफ से भी आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।